जबलपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1 फरवरी से तीरंदाजी के मुकाबले शुरू हो गए हैं। तीरंदाजी की प्रतियोगिता रानीताल खेल परिसर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में है। प्रतियोगिता में शामिल होने देश के विभिन्न खिलाड़ी जबलपुर पहुंच चुके हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिता में करीब 108 खिलाड़ी शामिल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले दिन खो खो के बालक बालिका वर्ग में चार चार मुकाबले खेले गए। बालक वर्ग में ग्रुप ए में पहला मैच मेजबान मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच हुआ। इसमें पश्चिम बंगाल ने मध्य प्रदेश को एक पारी और चार अंकों से मात दी। ग्रुप ए के बालक वर्ग के दूसरे मैच में महाराष्ट्र ने तेलंगाना को एक पारी व चार अंकों से पराजित किया। बालक वर्ग के ग्रुप बी में भी आज दो मुकाबले हुए, जिसमें उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ को 14 अंकों से तथा दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को चार अंकों से हराया। नमस्कार, मेरा नाम टीशा पुनिया है, मैं हरियाणा से हूँ और हमारा यहाँ पे खेलो इंडिया का आयोजन किया गया है जबलपुर में। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इंडिया के लिए, सभी गेम्स के लिए। मैं आर्चरी से हूँ और हमारा यहाँ पे अभी 4 दिन का टूर्नामेंट है, 31 से 3 फेब तक। तो मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मेडलिस्ट भी हूँ और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है खेल के, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से आयोजन किया गया और हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये खेलने के लिए कि हम बाहर के लिए। नमस्कार।